आज हम लोग पढ़ेंगे बर्ने कन्वेंशन के बारे में, ठीक है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट है उसके लिए फर्स्ट एवर कन्वेंशन था जो कि 1886 में कन्वीन्ड हुआ था, ठीक है। द बर्ने कन्वेंशन ऑफ 1886 वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन कन्वीन्ड इन स्विट्जरलैंड विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। ये लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ने कन्वेंशन 1886 में हुआ था, ठीक है। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन था और उसके बाद ये द कन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन 5th दिसंबर 1887 को इन्फोर्स हुआ था। इट हैज़ बीन रिवाइज्ड एट बर्लिन, रोम, ब्रसल्स, स्टॉकहोम एंड पेरिस, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था 1887 में ये इन्फोर्स हुआ था और उसके बाद ये रिवाइज हुआ था, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है बर्लिन में और रोम में। तो ये बर्लिन में 1908 में हुआ था, रोम में 928 में, ब्रसल्स में 1948 में, स्टॉकहोम में 1967 में और पेरिस में 1971 में। तो ये जो है अलग अलग टाइम पे ये रिवाइज हुआ था। द बर्ने कन्वेंशन कंसिस्ट ऑफ 38 आर्टिकल्स। जो बर्ने कन्वेंशन हुआ था स्विट्जरलैंड में, इंटरनेशनल कन्वेंशन, द फर्स्ट फॉर द कॉपीराइट, तो इसमें जो टोटल आर्टिकल्स हैं वो 38 आर्टिकल्स हैं। और फिर है, एज पर आर्टिकल 5 क्लॉज 1, दिस कन्वेंशन शैल प्रोटेक्ट द वर्क्स ऑफ द ऑथर्स नॉट ओनली इन द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन। कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन से मतलब है यहाँ पे जहाँ पे वर्क ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, सिर्फ वहाँ ही नहीं प्रोटेक्ट करेगा ये जो कन्वेंशन है, बट ऑल्सो इन द कंट्रीज ऑफ देयर यूनियन, बट जो यूनियन कंट्रीज है वहाँ पे भी। अब यूनियन कंट्रीज एक सर्टेन नंबर है, ठीक है, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, जो फॉर्म करती हैं यूनियन को। एज पर आर्टिकल 2, ये जो वर्क्स हैं ये वो वर्क्स हैं जो कि इस कन्वेंशन में प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, पॉसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्सेशन, डिराइवेटिव वर्क्स, डिफिकल्ट टेक्स्ट, कलेक्शन ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट बेनिफिशियरीज ऑफ प्रोटेक्शन, वर्क ऑफ अप्लाइड एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड न्यूज, ठीक है। ये जितने भी वर्क्स हैं ये इस कन्वेंशन में प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद में अब हम आएंगे, हम लोगों ने सबसे पहले आर्टिकल 2 देख लिया है, अब हम लोग आर्टिकल 2 के बाद में आर्टिकल 5 की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 5 है वो लिखा हुआ है कि एक मिनट, मैंने कैसे लिखा है, आर्टिकल 35। चलो ठीक है, इसकी बात करेंगे पर, लेकिन सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्टिकल 7 पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल सेवन ऑफ द कन्वेंशन, द टर्म ऑफ द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू द लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था इसके आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्शन ग्रांट की गई थी, ठीक है, लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क को, वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर, ऑथर की लाइफ टाइम के लिए एंड ऑफ द 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। वो मर जाता है, उसके बाद भी 50 साल तक के लिए उसको जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ था। एज पर आर्टिकल 9 ऑफ द कन्वेंशन, ऑथर प्रोटेक्टेड अंडर दिस कन्वेंशन फॉर लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क शैल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू ऑथराइजिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ दिस वर्क इन एनी मैनर ऑफ फॉर्म। आर्टिकल 9 जो है कन्वेंशन का वो ये प्रोटेक्ट कर रहा है ऑथर को, ठीक है, इस कन्वेंशन के अंडर की लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क में के जो ऑथर हैं, ठीक है, उनको एक्सक्लूसिव राइट होगा फॉर ऑथराइजिंग द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से, ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया उसके बाद से दोबारा से उसकी प्रिंटिंग के लिए या जो भी चीज है उसके लिए दिस वर्क इन एनी मैनर और फॉर्म, किसी भी मैनर में, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, वो जो ऑथर है उसको एक्सक्लूसिव इसका राइट होता है, ठीक है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द बर्ने कन्वेंशन बिसाइड अदर 120 states, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो कंट्रीज है वो 120 उसका सर्टेन नंबर है, उसके उसी में, ठीक है, इंडिया भी इंक्लूडेड है। एज पर आर्टिकल 35, अब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 35 की बात करेंगे, द कन्वेंशन शैल रिमेन इन फोर्स विदाउट द लिमिटेशन ऑफ द टाइम। जो एक बर्ने कन्वेंशन है 1886 का, ये विदाउट लिमिटेशन फोर्स में रहेगा। बर्ने कन्वेंशन वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय विपो,
विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1970 में फॉर्म हुई थी, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेट करती है बर्न कन्वेंशन 1886 को। हाँ, अभी मैं आर्टिकल 5 की बात कर रही थी, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो ऑथर शैल एंजॉय रिस्पेक्ट ऑफ वर्क फॉर विच दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द कन्वेंशन इन कंट्रीज ऑफ द यूनियन अदर देन द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन द राइट्स विच देयर रिस्पेक्टिव लॉज डू नाउ और मे हेयर आफ्टर ग्रांट टू देयर नेशनल एज वेल एज द राइट्स स्पेशली ग्रांटेड बाय द कन्वेंशन। तो ये जो आर्टिकल 5 है यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ऑथर्स हैं जहाँ से उनका वर्क ओरिजिनेट हुआ है वहाँ उस कंट्री में भी इनका वर्क प्रोटेक्टेड रहेगा और जो यूनियन कंट्रीज है वहाँ पे भी प्रोटेक्टेड रहेगा, पर जो यूनियन कंट्रीज नहीं है वहाँ पे इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सो हियर इज इनफ फॉर बर्न कन्वेंशन 1886।